हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन, मेरा पूजा हो गया है और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और इधर बच्चों के लिए मैंने चाउमीन बनाई थी तो मैंने वो चाउमीन बच्चों लोग को दे दी हूँ। और इधर मैं चाय छान रही हूँ तो मैं चाय इनके पापा बना कर रख दिए थे सुबह में, तो ज़्यादा बना कर रख देते हैं तो मैं वही गर्म करके पी रही थी। और मैंने चाय के साथ टोस्ट और सेव ले ली हूँ, और इधर बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो मेरे घर में कद्दू बनेगा। कद्दू मेरा 2 दिन का हो गया था तो वो उसमें बहुत बिच्चा निकल रहा था। ताज़ी रहता है तो कद्दू अच्छा भी लगता है, ज़्यादा दिन हो जाती है तो कद्दू थोड़ा सा कड़ा भी हो जाता है। तो वही किस उसी की सब्ज़ी में बना रही हूँ। तो मैं देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका था तो मैंने कद्दू को भी अच्छे से फ्राई करके बना ली हूँ सूखी वाली। तो मेरा कद्दू बन चुका है, उधर मैं चावल भी चढ़ा दी हूँ, और मैं आज रोटी चावल सब साथ में ही जल्दी बना दे रही हूँ। तो जो रोटी खाएंगे उसको रोटी दे दूँगी और जो चावल खाएंगे चावल दे दूँगी। तो मैं देखिए रोटी आटा सान रही गूंद रही हूँ, और बच्चे लोग चाउमीन खा लिए थे तो मुझे उतनी भी जल्दी भी नहीं थी, तो बच्चे लोग कुछ खा लेते तो मुझे उतना जल्दी नहीं रहता। और इधर मैं बना रही हूँ रोटी तो मेरा झटपट सा लंच और तैयार भी हो जाएगा। और इधर चढ़ा रही हूँ मैं दाल, तो मेरा चावल हो चुका था तो मैं दाल भी चढ़ा ले रही हूँ, और मेरी रोटी भी हो गई है कद्दू की सब्जी। तो देख मैं इधर मैं दाल चढ़ा दे रही हूँ, और इधर मेरे कपड़े भी मैंने नहीं डाले थे, वही मैंने कपड़े डाल दी थी तो वही धूप में मेरे थे कुछ कुछ नए नए कपड़े, तो जगह कम थी तो मैंने छोड़ दिया था कुछ कपड़ा को। तो मैं देखिए नया कपड़ा सब ले आऊँगी और बाकी कपड़े डाल दूँगी। और इधर मैं बना रही हूँ आम की चटनी, और गर्मी में आम की चटनी ना खाओ तो टेस्ट ही नहीं लगता है। तो अभी आम का सीजन चलता है, चल ही रहा है, सबके घर में आम की चटनी बन रही होगी। तो देखिए, और इधर मैं बना रही हूँ खाड़ी, तो ये मैं अपने मायके से लाई थी, जो आप लोग को मैंने दिखाई थी गंधारी की साग, तो उसके डंठल होते हैं उसकी सब्जी। आप लोग पता नहीं खाए हो कि नहीं, तो एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो आज के मैं यही रेसिपी शेयर की हूँ। तो सिंपल सा उसको उबाल के नरम कर लेती हूँ नमक हल्दी दे के, उसके बाद तेल में आप पचफोड़न डाल के, मैं तो पस्तू की बना रही हूँ इसलिए मैं सिंपल सा बना रही हूँ। पस्तू में सिंपल सा ना प्याज लहसुन कुछ नहीं पड़ता है, तो वही मैंने डाल दी हूँ, छोंक लगा दी हूँ। और लास्ट में मैंने मिर्चाई 2 मिर्चाई जितनी तीखे खाओगे उतने मिर्चा दे दो पस्तों में, और दरदरा मैं पीस ली हूँ। और दरदरा पीस के मैंने जब वो पानी उसका सूख जाए तो उसमें डाल दीजिए, और उबाल आने सूख के सूखा सूखी सूखा सब्जी बना लीजिए, तो बहुत टेस्टी लगता है पस्तू और खाड़ी की। तो ये सिंपल सा है ना, बिना प्याज लहसुन का, तो बहुत टेस्टी लगता है और मुझे बहुत पसंद है। तो मायके में गई तो मम्मी के वहाँ गई थी तो मेरे भाई लोग दे बोले कि ले जा थोड़ा बहुत, तो मेरे मम्मी काट दिए भाभी लोग, तो ही मैं ले आई हूँ। और इधर देखिए मेरे कितने कपड़े हो गए हैं, तो मैं लंच वंच कर ली थी, उसके बाद मैं देखिए बच्चों लोग भी खा लिए थे तो वो लोग सो रहे थे, और अंकित गया था ट्यूशन, तो इधर मैं कपड़े को फोल्ड करके रख रही थी। और ये भी एक काम ही है तो मैं लगे हाथ ये भी कर ले रही हूँ। और आज का वीडियो, मेरा छोटा सा वीडियो, आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब